शर्म नहीं आती तुम्हें? एक फौजी हो कि तुम लड़की को छेड़ते हो? देखिए मैम, आप जैसा समझ रही हैं ऐसा है नहीं। रुको ना, कहाँ जा रहे हो? देखिए मैम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं एक दफा जहाँ जा रहा हूँ मुझे प्लीज वहाँ जाने दे। कैसे जाने दो? यूनिफॉर्म पहन के लड़कियों को छेड़ते हो और हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हो तुम। अरे आप क्यों नहीं समझ रही कि मैंने आपको नहीं छेड़ा और मेरा वो मकसद नहीं था। हाँ मैडम, क्या हुआ? देखे ना भाई, फौजी हो के एक लड़की को छेड़ रहा है। हाँ भाई, तुझे शर्म नहीं आती? फौजी हो के लड़की को छेड़ते हो, इससे अच्छा तो तुझे फौजी होना ही नहीं चाहिए। बदतमीज इंसान, वर्दी का घमंड दिखाते हैं, बेवकूफ। अभी पापा को कॉल करती हूँ और उनको शिकायत लगाती हूँ। अरे मेरा मोबाइल था यहाँ पे, कहाँ गया है? आखिर मेरा मोबाइल कहाँ जा सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने मोबाइल अपना यही रखा था, तब मेरा मोबाइल कहाँ जा सकता है? भाई बात सुने, मुझे लगता है इस बेचारे के साथ कोई और मसला बन गया। क्या हुआ भाई? यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल रखा था लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा। मैडम हो सकता है आप मोबाइल घर से लेके ही ना आई हो। ये कैसे हो सकता है? मैं अपना मोबाइल लेके आई थी और मेरा मोबाइल बहुत ज्यादा महंगा है। कहीं वो फौजी आपका मोबाइल तो? मतलब मेरा मोबाइल वो फौजी उठा के ले गया। जितना सोचा था ना उससे ज्यादा गिरा हुआ निकला है।